हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, और आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको वीडियोज का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेयर द डेथ ऑफ मेंबर हैज अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे क्या बोला गया है कि अगर किसी विडो को फैमिली पेंशन रिसीव हुई है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ आर्म्ड फोर्सेस में ऑपरेशनल ड्यूटीज के टाइम पे हो जाती है, तो यहाँ पे बेसिकली उस फैमिली पेंशन से रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है। तो देखिए, जो भी फैमिली पेंशन रिसीव होती है किसी भी विडो को, अगर उनके हस्बैंड की डेथ आर्म्ड फोर्सेस में ऑपरेशनल ड्यूटीज के टाइम पे होती है, तो यहाँ पे वो टोटली एग्जम्प्ट होता है फ्रॉम इनकम टैक्स। ओके, यहाँ पे उस पर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा टोटली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 19। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अगर हम बात करें सेक्शन 10 की, तो यहाँ पे वो सारी इनकम्स गिवन है जो कि एग्जम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। अब यहाँ पे इनकम दो टाइप की हो सकती है, पार्शियली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड सेकेंड कौन सी हो सकती है, कंप्लीटली एग्जम्प्ट। ओके, तो यहाँ पे पार्शियली एग्जम्प्ट भी हो सकती है आपकी इनकम और कंप्लीटली एग्जम्प्ट भी हो सकती है। अब ये जो फैमिली पेंशन रिसीव होती है, ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम इनकम टैक्स। अगर हम बात करें पार्शियली एग्जम्प्ट इनकम की, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ग्रेच्युटी। ओके, तो आपको ग्रेच्युटी के बारे में पता होगा, ये 20 लाख रुपीज तक एग्जम्प्ट होता है और उसके बाद का जो भी अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका फैमिली पेंशन किसके अंदर आएगा, कंप्लीटली एग्जम्प्ट के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या कह रहा है, एग्जम्प्शन अंडर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 शैल नॉट बी अलाउड इफ एसएससी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन्स। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, आपको सेक्शन 54F की एग्जम्प्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी कौन सी कंडीशन के अंदर। देखिए, यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं कि आपको ये 54F सेक्शन क्या कहता है। ओके, इसके बाद आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसके अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने पे आपको 54F की एग्जम्प्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें सेक्शन 54F की, तो ये प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल्स को एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। और ये कहता क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ओके, बट आपको यहाँ पे उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से एग्जम्प्शन दी जा सकती है अगर आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं किसी रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने के लिए। ओके, दैट इज, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने के लिए, ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जम्प्शन दी जा सकती है फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54F। ओके, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, आपको उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा तभी आपको सेक्शन 54F की एग्जम्प्शन दी जाएगी। देखिए, कंडीशन क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है, जो भी आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है उससे 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर आपको जो रेजिडेंशियल हाउस है उसे एक्वायर कर लेना है। दैट इज, मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 2018 में, तो यहाँ पे आपको कोई भी रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर कर लेना है बिफोर 2020 और 2017। दैट इज, अगर मान लीजिए आपको पता था कि आपको 2018 के अंदर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है और आपने 2017 में कोई भी रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है, तो यहाँ पे भी आपको 54F की एग्जम्प्शन मिल जाएगी। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपको, देखिए, ये तो था परचेज के लिए। ओके, अगर मान लीजिए आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाया है हाउस प्रॉपर्टी का, रेजिडेंशियल हाउस का, ओके, यहाँ पे कॉमर्शियल की बात नहीं की जा रही है, रेजिडेंशियल हाउस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन कराया रेजिडेंशियल हाउस का, तो वो हो जाना चाहिए 3 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर। दैट इज, अगर मान लीजिए आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2018 के अंदर, तो यहाँ पे 54F के एग्जम्प्शन क्लेम करने के लिए आप अगर 2021 से पहले कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आपको 54F की एग्जम्प्शन मिल जाएगी। ओके,
थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि डेट ऑफ ट्रांसफर पे, दैट इज जब भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस डेट पे जो भी इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए सो दैट वो 54F के लिए एलिजिबल हो पाए। अगर मान लीजिए उनके पास दो या दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो 54F की एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 54F की एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए ये नेसेसरी है कि जो भी इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर पे उनके पास केवल एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, तो आपकी थर्ड कंडीशन क्या है, ओन नॉट मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे आपसे क्या बोला गया है, 54F की एग्जेम्पशन कौन से केस में नहीं मिलेगी आपको। ओके, तो देखिए अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस है तो इसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। रेजिडेंशियल हाउस विच इज लेट आउट, तो यहाँ पे लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं गिवन है कि आपका रेजिडेंशियल हाउस जो भी है वो लेट आउट होना चाहिए या सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एक ही रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए और यहाँ डी ऑप्शन में क्या गिवन है, मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस। अगर आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउसेस हैं तो यहाँ पे आपको 54F की एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे डेली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं। सो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहे हैं, टू क्लेम सेक्शन 10AA डिडक्शन द यूनिट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन। तो एक बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको सेक्शन 10AA की डिडक्शन कब मिल सकती है। देखिए कोई भी यूनिट अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर सिचुएटेड है तो यहाँ पे उसको सेक्शन 10AA की डिडक्शन मिल सकती है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, देखिए अगर हम बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हुए हैं अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ओके, तो इसका एक एक्ट है 2005 का। अब यहाँ पे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्यों बनाया गया, देखिए यहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने का मेन मोटिव था वो था एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बनाया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ओके, तो जो भी यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर से एक बेनिफिट है आपका सेक्शन 10AA की डिडक्शन। नाउ अब यहाँ पे सेक्शन 10AA की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए उन यूनिट्स को कुछ और कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होता है और वो कंडीशंस क्या क्या हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी यूनिट है वो कवर्ड होनी चाहिए अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर कोई भी ऐसी यूनिट है जो सेक्शन 10A का बेनिफिट ले रही है फ्रॉम कंटिन्यूअस लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से अगर वो सेक्शन 10A के डिडक्शन का बेनिफिट ले रही है तो यहाँ पे उसको सेक्शन 10AA के बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, अब ये सेक्शन 10A क्या है, देखिए अगर कोई भी यूनिट फ्री ट्रेड एरिया के अंदर सिचुएटेड है उसको सेक्शन 10A के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो अगर कोई भी यूनिट फ्री ट्रेड एरिया के अंदर है और वो सेक्शन 10A का बेनिफिट ले रहा है तो यहाँ पे वो सेक्शन 10AA के बेनिफिट्स को नहीं ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर कुछ सेक्शंस गिवन है और लिस्ट 2 के अंदर डिडक्शंस। तो देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम उनको मैच करेंगे जिनको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें 80E की, तो 80E की डिडक्शन आपको कब प्रोवाइड की जाती है, अगर आपने कोई भी एजुकेशनल लोन लिया हुआ है। ओके, तो आपका ये 4th मैच कर जाएगा सी के साथ। ओके, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर हम बात करें 80DD की, तो देखिए 80DD को आप रिमेंबर कर सकते हैं डिसेबल डिपेंडेंट के साथ। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आपकी कोई भी फैमिली में कोई भी डिसेबल्ड है और वो डिपेंडेंट है तो। ओके, तो यहाँ पे 3rd का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाउ अगर हम बात करें 80EE की, तो देखिए
80EE की डिडक्शन तब प्रोवाइड की जाती है अगर आपने कोई भी होम लोन लिया हुआ है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80EE, तो ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन होम लोन। नाउ जो आपका सबसे लास्ट है दैट इज 80EE, तो देखिए 80EE के अंदर आपको हाउस रेंट पेमेंट के ऊपर भी आपको डिडक्शन मिल जाती है अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस अपने एम्प्लॉयर से नहीं मिले हैं तो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, इफ एन इंडिविजुअल इज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग टी व्हाट परसेंटेज शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल टी फार्मिंग के बिजनेस के अंदर है तो यहाँ पे बेसिकली टी फार्मिंग से जो भी उसको इनकम हो रही है उसको कम्प्लीटली एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, उसको पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इनकम की, तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में आपको पता होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो कम्प्लीटली एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। ओके, बट अगर आपको यहाँ पे टी फार्मिंग से कोई भी इनकम हो रही है तो पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, दैट इज उसका कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। ओके, तो यहाँ पे टी फार्मिंग का कौन सा परसेंटेज, कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें टी फार्मिंग की तो उससे होने वाले इनकम के 60% को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है एंड 40% को नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। ओके, दैट इज अगर मान लीजिए आपको 100 रुपीज का रेवेन्यू हुआ है फ्रॉम टी फार्मिंग तो आपको 40 रुपीज पे टैक्स पे करना होगा एंड 60 रुपीज आपके लिए एग्जम्प्ट होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।